अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। मोहतरम नाज़रीन सामईन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, जो औरत जो बीवी अपने खामन का कहा नहीं मानती, जो बीवी अपने खामन की नाफरमानी करती है, तो उसका क्या अंजाम है? अल्लाह ताला उसको क्या सजा देते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं। चले बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो देखना शुरू करते हैं। किसी औरत के लिए उसके शौहर के हक़ का महक़ अदा करना पॉसिबल ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, जो है दार खुतनी की रिवायत बाहिकी में भी ये रिवायत आती है, अबू सईद जो है फरमाते रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया, शौहर का बीवी पर हक़ इस कदर है कि अगर मतलब वो कमा हक़ वो कभी अदा नहीं कर सकती। बहरहाल उससे पहले एक और रिवायत आप देखिए कि शौहर के हक़ अदा ना करने वाली को जन्नत की हूरें बददुआएँ देती हैं। और यह हक़ इतने अहम है कि देना चाहिए, मिसाली भी औरत को बनना पड़ेगा ताकि शौहर के हक़ दें। आप सब फरमाते हैं ये इब्ने माजा की रिवायत है और माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कोई औरत अपने शौहर को तकलीफ़ पहुँचाती है तो जन्नत ने मोटी मोटी आँखों वाली हूरें में से एक जो है हूर जो है उस बीवी से कहती है, मतलब वहाँ जन्नत से वो कहती है और कहती है कि तुझे अल्लाह हलाक करे, बद्दुआ देती वहाँ से बैठ कर, तुझे अल्लाह हलाक करे कि इसे तकलीफ़ ना दे, ये चंद दिन तुम्हारे पास है, बाद में अनकरीब तुम लोगों को छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। मतलब अगर बीवी इतात गुजार नहीं, फरमादार नहीं, तो जाहिर है जन जहन्नुम में चले जाएंगी बीवी और ये चले जाएंगा हूरों के पास। तो हूरे बददुआएं देती है जन्नत में बैठे बैठे उस औरत के लिए जो अपने शौहर का हक अदा नहीं करती, एक मिसाली बीवी नहीं बनती उसकी। जी नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, एडवोकेट फैसलिया साहब ने बड़े अच्छे अंदाज के साथ इस चीज को वादे किया कि जो औरत मिसाली बीवी नहीं बनती, अपने खामन का कहा नहीं मानती, उन्होंने इब्ने माजा की रिवायत बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की अंदर जो हूरे हैं वो उसे बददुआ देते हैं, यानी उस औरत को बददुआ देते हैं कि अल्लाह तुझे हलाक करे, अल्लाह तबाहो बर्बाद करे कि तू अपने खामन का कहा नहीं मानती, ये तेरे पास चंद दिनों के लिए है, उसके पास हमारे पास आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।